हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस तरह राज्य में कांग्रेस और आम के बीच गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने पार्टी की ओर से कैंडिडेट घोषित करने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आप पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। शाम तक दूसरी लिस्ट देखने को जरूर मिलेगी। अभी नामांकन के केवल 3 दिन ही बचे हैं। 3 दिनों के अंदर सभी उम्मीदवारों को पंक्तिबद्ध करना है। हमारे एक एक सीट पर कई उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का एक अच्छा और मजबूत विकल्प है। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन के सवाल पर सुशील गुप्ता बोले कि आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर राजनीति लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे धैर्य के साथ मैदान में डटे हुए हैं। हमने पहले अपने धैर्य दिखाया और उसके बाद ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। मुझे लगता है कि नतीजे हरियाणा के लिए सकारात्मक होंगे और भाजपा को हरियाणा से हटा दिया जाएगा। मालूम हो कि हरियाणा की 90 सदस्य विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। राज्य में मतदान 5 अक्टूबर को होगा जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा इकाई के उपाध्यक्ष में अनुराग डांडा को कलायत से और इंदु शर्मा को भिवानी से मैदान में उतारा है। विकास नेहरा को महम से और विजेंद्र हुड्डा को रोहतक से टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी राज्य में संभावित गठबंधन के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही थी। हालांकि अब कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी इसको लेकर बातचीत अटक गई है। सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी 10 सीट की मांग कर रही थी जबकि कांग्रेस 5 सीट की पेशकश कर रही थी। इससे पहले आपके हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर शाम तक समझौता नहीं हुआ तो उनकी पार्टी सभी 90 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी कर देगी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।